यदि विश्व ने माना है कि गुरु ही वो है जिसके पढ़ाए बच्चे आज चंद्रमा और अंतरिक्ष जैसी जगह में हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर और बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त हैं। हम आज ग्राम पंचायत सिगुड़ी पहुंचे और वहां के शिक्षक प्रदीप त्रिपाठी जी से मिले और देखा कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा था, नहीं और बहुत अच्छा भी। इस COVID-19 जैसी बीमारियों को देखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया और बच्चों को भी कराया, जिन्हें इसके पहले जिला उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी के द्वारा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रमाण पत्र भी प्राप्त है। जैसे आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो मतलब ये बच्चों को वो पूरी व्यवस्था के साथ आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ मास्क और सैनिटाइजर तो रखा हुआ है ना, तो बच्चों को किस हिसाब से आप मतलब क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं? ये हमारे शिक्षा विभाग के तहत 6 जुलाई से मेरा घर मेरा परिवार के तहत ये योजना चली है, जिसमें बच्चे 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक अपने घर में पढ़ेंगे और जिनके घर में पढ़ने का माहौल अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता है उन बच्चों को हम लोग यहाँ मोहल्ला क्लास लगा रहे हैं, जिसके आदेश भी हैं कि आप मोहल्ला क्लास लगा सकते हैं और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ा सकते हैं 1 घंटे के लिए। तो उसके तहत मैंने यहाँ पर मास्क ले आया है, सैनिटाइजर का उपयोग भी कराया है और इन बच्चों को 1 घंटे में यहाँ पर बैठाता हूँ और उनसे उनकी समस्या जानता हूँ, जो उनकी समस्या रहती है दूर करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद 1 घंटे के बाद मैं दूसरे जगह चला जाता हूँ और पुनः 4-5 बच्चों से संपर्क करता हूँ। इसमें आपका शिक्षा विभाग का क्या योगदान है? शिक्षा विभाग के अधिकारियों का क्या योगदान है? निरंतर हमारे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, जन शिक्षक जी जो हैं, PRC की टीम हो गई और जिला शिक्षा केंद्र की जो टीम हो गई, वो निरंतर सतत इसके मूल्यांकन में है कि हमारे शिक्षक साथी ऐसी क्लास संचालित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 5 पालकों और 5 बच्चों से संपर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निरंतर उसका फीडबैक भरा जाता है कि आप कितने बच्चों से मिले हैं, कितने बच्चों से आपने फ़ोन से संपर्क किया है, उनकी क्या समस्या आपने दूर की है, ये सब पूरी जानकारी हमारा पूरा शिक्षा विभाग का अमला लगा हुआ है, उसकी जांच कर रहा है, देख रहा है और हमारा पूरा सहयोग भी कर रहा है कि जहां पर भी दिक्कत आती है वो हमें उसका पूरा हल बताता है।